परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तमाम गुरसिख माई भाई इस कायनात वसदे नानक नाम लेवा नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दास अपने वालों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश दिहाड़े की लख लख वधाई देंदे हाँ। तंता योग हो जो अमृत वेले तो इस मान स्थान पर बैठ के गुरु की कीर्ति गुरु के विचार सरवण कर रहे हो। असी बहुत बहुत धनवादी हाँ संत सतनाम सिंह जी दे ते उन्हां दे जथे दे जिन्होंने मनोहर कीर्तन राही संगतां नूं निहाल कीता है। और यही दिल करता सी भी घड़ियां रुकन, एक कीर्तन का प्रवाह जो है वह ना रुके। इतना मनोहर कीर्तन इन्होंने सरवण करवाया, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हां जरूर बेनती करांगे भी गाए बगाए जरूर गुरद्वारा बंगला साहब या शीशगंज साहब जत्थे समेत जरूर हाजिरी भरया करन, संगतां नूं अपने कीर्तन राही और बचना राही निहाल करया करन, क्योंकि अज बड़ी वड्डी लोड़ है सिख पंथ दे विच इन्हां विचारां नूं गुरु दे विचारां नूं संगत तक पहुँचाण दी और संगत नूं इस गुरु दे लड़ लाण दी। क्योंकि अज जो सिक्खी दी विनाश लीला इस धरती ते रची गई है एक अखरां दे कहण जोग नहीं। अज कितनी अफसोसनाक गल है बई 2011 की मरदमशुमारी दे विच पिछले 10 सालों दे विच साड़ी 2 करोड़ की आबादी जो सी अज घट के कुल 1 करोड़ 30 लख रह गई है। तो इहदे विच भी जे गौर मुताला करो तो असल कितने रह गए हैं, अमृतधारी कितने हैं, तो शायद ये सुकड़ के असी 1881 की मरदमशुमारी तक पहुँच जावांगे। इतने बिखरेवें समय दे विच अज साडा फर्ज बनता है साडियां कमेटियां दा इन्हां महापुरशां दा गुरु दा कीर्ति गुरु दे बचनां दा प्रचार करके सिक्खी दे लड़ लाईए और हर सिख नूं अमृत दे वल पासे तोरीए, अमृत दी दात लवे ताकि इस बिखरेवें समय जो सिख पंथ अपने आप नूं उभार सके। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना नूं बेनती करांगा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली दियां तमाम सिख संगतां वालों श्रोमणी अकाली दल दिल्ली वालों इन्हां नूं गुरु घर दा सरूपा जो है इन्हां नूं बख्शिश किया जाए। इन्हां दे नाल इन्हां दे जीवन साथी इन्हां दी सिंघणी बीबी गुरनाम कौर जी उन्हां नूं बेनती करांगा वह भी गुरु घर दा सरूपा प्राप्त करन। इन्हां दे जथेदार बाबा जवाहर सिंह जी भी इत्थे बैठे हैं उन्हां नूं भी गुरु घर दा सरूपा जो है ये बख्शिश किया जाएगा। बोले सोनिहार मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ संत सतनाम सिंह होरां दा जिन्होंने अपना इत्थे आ के गुरु घर के दर्शन किए हैं।
संगतां दे दर्शन किए हैं और कीर्तन की सेवा जो है वह भी निभाई है। सानू खुशी है साढ़े दे विच महान सुरबीर हिंदुस्तान की फौज के महान सुरबीर लैफ्टीनेंट जनरल रिटायर्ड अरविंदर सिंह जी लांबा मौजूद हैं, जिन्हां दियां सुरबीरता भरिया कथावां जो हैं हिंदुस्तान की फौज के बहुत लिखिया गई हैं। इस महान सुरबीर जरनैल ने बंगलादेश की जंग विच भी हिस्सा लिया, श्रीलंका की जंग विच भी हिस्सा लिया, कश्मीर की आज़ादी वास्ते भी जो इस वक्त टैररिज्म की लहर चल रही है उदे विच भी हिस्सा लिया और बहुत अहम पोस्टां दे उपर फौज दे विच जो कि आधुनिकरण दियां अज इन्हां दे महारत हासिल हैं और इन्होंने अज तो महीना पहले ही ये फौज चो रिटायर होए हैं। और ऐसे सुरबीर फौज दे जरनैल नूं सन्मानित करना साडा फर्ज बनता है। अज जो साडे विच इस महान पुरब वाले दिहाड़े शामिल हैं, मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार परमजीत सिंह सर नाल बेनती करांगा इस महान फौजी सूरबीर जरनैल नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली दियां तमाम सिख संगतां वालों गुरु घर का सरोपा जो है वह बख्शिश किया जाए। असी आने वाले समय दे विच इन्हां दे वास्ते कामना भी करते हैं, गुरु चरणा च अरदास करते हैं ऐसे सुरबीर नूं होर चंगीआं जमां ते देश की सेवा करन दा मौका मिले, क्योंकि इन्हां दियां सेवावां जो हैं ये सुनहरी अखरां दे विच लिखण वालियां हन। मैं इन्हां नूं बेनती करांगा वो खड़े होकर सन्मान नूं प्राप्त करन। साडे विच सिख पंथ के महान कानूनदान सरदार के टी एस तुलसी जी भी मौजूद हैं। अज बड़ी खुशी की गल है भी जिहड़ी मेहनत अज तो तकरीबन 5-6 साल पहला एक शुरू की गई सी, ये उपराला किया गया सरदार परमजीत सिंह सरना वालों भी सिखा का आनंद मैरिज एक्ट जो है वह बनना चाहिए जिदी बड़ी जरूरत है। ये बहुत वड्डा योगदान सिख पंथ के मान विद्वान प्रोफेसर गुरतेज सिंह होरां ने योगदान पाया, उन्होंने इस एक्ट नूं लिखिया और पूरी तनदेही दे नाल इस नूं एक्ट का रूप दिता, जिसकी करैक्शन जो है वह सरदार के टी एस तुलसी ते जस्टिस कुलदीप सिंह होरां ने इसकी करैक्शन करके बहुत वड्डा योगदान पाया। ये जो एक्ट है ये पहले पाकिस्तान गए, तुलसी साहब भी उहदे नाल सन, उत्थे जा के इस एक्ट नूं पास कराण दा इन्होंने उपराला किया और पाकिस्तान की सरकार ने इस एक्ट नूं मन्निया भी। ये काफ़ी देर तो लटकती आ रही थी गल, पर कोई भी संस्था कोई भी पार्टी इस गल नूं हाथ विच लैण वास्ते तैयार नहीं सी। ये जरूरी इस करके हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वालों पहले इस गल नूं आई गई हर कोई सिख लै लैंदा सी, सुप्रीम कोर्ट वालों एक ऑर्डर पास होया जिदे तहत एक अपलीकेशन बन गई, एक मैंडेटरी हो गया भी जिसका भी ब्याह शादी होएगी कोर्ट ऑफ लॉ दे रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है और इस तरह किसी का भी आनंद कारज होवे पर रजिस्ट्रेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट होवे, ये गल जिहड़ी सी सानू परवान नहीं सी। असी गाए बगाए इस गल का सरकारी ध्यान भी लिया और असी दोनों ने सार परमजीत सिंह ने और दास ने श्रीमती सोनिया गांधी नाल इस मुतलक मुलाकात करके उन्होंने तफसील दे नाल इस प्रॉब्लम बारे उन्होंने जाणू करवाया। जिस वक्त उन्होंने सारी गल सुनी तो उन्होंने बड़ी हलीमी दे नाल गल कबूल की थी भी ये तुहाड़ी मंग जो है बड़ी जायज़ हैगी और इस नूं पूरा करना साडा फर्ज हैगा। 2008 दियां और 2009 दियां चोणां जो हैं असैंबली दियां और पार्लीमेंट दियां चोणां जो हैं अनाउंस होईआं, असी इसे जगह दे उपर इसे लखी शाह बनजारा हाल दे विच संगतां दी हाजरी दे विच ये असी प्रवान कीता मता पास कीता भी कोई भी निजी मंग जो है कोई भी निजी चीज़ जो है कोई निजी इन्हां दा सत्कार जो है वह कबूल नहीं करना, सिर्फ ते सिर्फ पंथ वास्ते जिहड़ी मंग हैगी उस नूं ही लैण दी गल करनी है। सो उस वक्त ते फैसला होया भी असी किसे सीट दा मुतालबा तुहाडे कोल नहीं करदे,
ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਸਨਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹਨ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲਵਲੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੌਖੀਆਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ 6-6 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਕੜ ਔਰ ਰੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਸਦਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਕੇ ਟੀ ਐੱਸ ਤੁਲਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਣੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਔਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਨ ਇੱਥੇ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਹਾਲ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਣਨਗੇ।
एक उपर बनेगा जिस तरह यह बनया और एक किसी थले जो है अंडरग्राउंड हाल भी बनेगा ताकि संगतों को जो सहूलियत है अपने कार्य करने वास्ते वह सहूलियत भी मिले और गुरमत समागम जो हैं उन्होंने करने वास्ते भी संगतों को सहूलियत मिले। ये जो है अज कार्य जो है आरंभ हो चुका है, बैरीकेडिंग जो है इस गुरुद्वारे के शुरू हो गई है। मैं गुरुद्वारा डिवेलपमेंट कमेटी के पौंटी चड्ढा जी, वाइस चेयरमैन सरदार महेंद्र सिंह जी सानी, उन्होंने सैकटरी सरदार इकबाल सिंह जी जो इतने खुद हाजिर सन और अज उन्होंने काम शुरू करने के गुरु महाराज के अगे चरणा च अरदास करके जो कार्य शुरू किया है वो उन्होंने लिए मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जिसका कार्य तिने किया मानस क्या विचारा राम, ये गुरु साहब के काम ये गुरु महाराज आप पूरे करेगा। पर जिस तरीके दे नाल मैं अज संगतां नूं जाणू करवाना चाहवांगा इस काम नूं रोक पाण लई गुरु घर दे दोखियां वलों वी हाई कोर्ट दे विच मुकदमे जो हैं वह दायर किए गए हैं और जजां दे कोल जा के ये पटीशनां पाईआं गईआं हैं भी ये जो मुकदमे हैं इन्हां दी सुनवाई करके इस काम नूं रोकिआ जाए। असीं स्पष्ट कर देना चाहते हाँ गुरु घर के दरबार जहां कहो जे बनने चाहिए हैं, गुरु घर के संगतां दी की जरूरत हैगी, एक कहो जे इन्हां दे नक्शे होने चाहिए हैं, इहदा फैसला सिख पंथ आप करेगा, सिख कौम आप करेगी। एक किसी जज का किसी भी अधिकारी का कोई अधिकार खेत्र तो बाहर हैगा भी वह ये दसे भी असी दी मंजूरी देनी है या दी मंजूरी नहीं देनी। असी स्पष्ट कर देना चाहते हाँ कि जितने भी गुरुद्वारे हैं किसी के अधिकार खेत्र तो बाहर जाते हैं, ये अधिकार केवल प्रबंधकी कमेटी का जिसन संगत ने चुनिया है कि वह जो गुरद्वारा साहबान बनने हैं ये उन्हों का काम है। जे असी गुरद्वारा बंगला साहब सोने की सेवा कर रहे हैं उसका भी विरोध किया जा रहा है, अजे कहे जा रहे हैं पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं समझदा भी ये सच्चे पातशाह ने कोई अजीब कला वरताई है भी कुछ बुद्धिहीन बंदियां दी बुद्धि बिल्कुल खाली हो चुकी है, गुरु घर दे सेवा नूं ओह कह रहे हैं पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आने वाले समय दे विच इह संगतां ने इस गल दा फैसला करना है भी पैसे किसने बर्बाद किए हैं या किसने लाह लाए हैं कि अज संगतां नूं चंगा नहीं लग रहा। साडे गुरद्वारे साहिबान की जो शकल सूरत है जिस तरह रख रखाव है वह सुंदर बनन और असी धैया प्रण किया है कोई भी प्राणी दिल्ली में आए एक गल की मंग करे भी मैं गुरुद्वारा बंगला साहब दर्शन किए बगैर मैं दिल्ली तो वापस नहीं जाना, पर इन्हां चीज़ों का भी विरोध होना और विरोध भी सड़कों के उपर होना यह जड़ी गल है बड़ी अजीब गल है। पर इन्हां तो सानू इस तो बाद की कोई आस नहीं। मैनू इस गल की भी खुशी है तुलसी साहब बैठे ने इत्थे, इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है। गुरद्वारा बाला साहब हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं, ये शायद अपने बुखार में जो दो तीन मिनट इन्हों टाइम दिता जाएगा ये दसणगे तुहानू भी किस तरह दियां रोकां इस बादल दल वालों इस हस्पताल नूं रोकण वास्ते पाईआं गईआं। इस हस्पताल नूं रोकण वास्ते झूठे मुकदमे हाई कोर्टां दे विच पाए गए, झूठियां शिकायतां डिपार्टमेंट दे विच कीतियां गईआं और छोटे लैवल दे अफसरां नूं रिश्वतां दे के लीज डीड जो है हस्पताल की कैंसल कराई गई। और असीं इह समझदे हां भी इन्हां दे विच बहुत वड्डा योगदान है तुलसी साहब का। मैं धन्यवाद करना चाहवांगा हाउसिंग डिवेलपमेंट मिनिस्टर कमलनाथ होरां दा जिन्हां ने चेचा इस गल का ध्यान करके इस लीज डीड नूं रिस्टोर किया और उन्हां सारियां औकड़ां नूं दूर किया जिहड़ियां औकड़ां जो हैं वह सानूं पेश आ रही सन हस्पताल शुरू करन दीआं। उन्हां ने साडे नाल वायदा किया भी जिहड़ी जमीन 1963 दे विच अक्वायर की गई फिर 83 दे विच अक्वायर की गई, अज ये गल करते हैं भी साढ़े भापा जी वक्त बड़ा बड़ा वड्डा योगदान है। मैं कहना भी इतिहास के पन्नों के उस वक्त कौन जिम्मेदार सन गुरद्वारा कमेटी के जिन्हों की सरदारी थले गुरद्वारा मजनू के टिले की जमीन जो है सरकार ने एक्वायर की और खाली जमीन एक्वायर कराने का ना किसी ने रोस प्रकट किया, ना किसी ने किसी तरह का मुआवजा लिया, ना वो बदले कोई जमीन लिती गई। असी स्पष्ट लफ्जा के असी इतों के मिनिस्टर नूं कह के आए हाँ गुरु नानक साहब के नाँ की एक इंच भी जगह जो है वह किसी नूं असी किसी सरकार नूं असी आग्या नहीं दे सकते, वो इस जमीन के उपर कब्जा करन
बल्कि ये जमीन का जो तुम एक्वायर की है ये बदले का इंट्रस्ट वजो नाल लगती होर जमीन जो है गुरद्वारा के नाल दी जाए ताकि असी संगतियां की सहूलत वास्ते गुरद्वारा मजनू टिल्ला साहब की जो सेवा है वह आरंभ कर सकी है। उन्होंने सानू आश्वासन दिता है असी किसी किस्म की यह सरकार सिखां दी और गुरुआं दे नां दे जो जमीना हन ये लैण दे हक विच नहीं है पर इन्होंने उस वक्त जमीना जो हन दित्तियां जिहदे विच सड़क भी बनी सरकारी स्कूल भी बने और ये मूक दर्शक बन के बैठे रहे और ये गल करदे हां जी इन्होंने जमीना खुरद बुरद कीतियां हन। मैं कहना ये असी जमीना रिस्टोर कीतियां हन जे एक भी मिसाल एक इस सबूत ये दे देण वी सरदार परमजीत सिंह सरना की प्रधानगी हेठ एक इंच भी जगह किसी ने ली है या एक इंच भी जगह किसी ने खुरद बुरद की है तो असी अगे भी गल कर चुके हाँ जे कोई भ्रिष्टाचार का दोष साबित होंदा है जे कोई जमीन की खुरद बुरद होने का दोष साबित होंदा है तो आने वाली चोणों के असी बिल्कुल पार्टीसपेट नहीं करांगे। सबूत साबित करन दी गल है 11 साल तो लगातार मुतवादर ये आवाज़ा देनिया भई इन्होंने भ्रिष्टाचार वधाया है असी गलों का जवाब आने वाली चोणों के संगत देगी। असी बार बार गुरु की हजूरी से गल प्रण कर रहे हैं कोई भी संगत का बंदा कोई भी जी कोई भी होश रख्या होया इस चीज़ को साबित कर देगा। खाली यही कही जाना जी भ्रिष्टाचार बढ़ गया एक कंसल्टेड जड़ियाँ एफर्ट चल रही हैं साडे गुरुधामों साडे स्कूलों बदनाम कर ताकि इस बच्चे जोड़े हैं तालीम ना लै सकन 95% बच्चे स्कूलों के तालीम लैन उत्थे विद्या हासिल करन और 2 करोड़ रुपए की सालाना जो है एड उन्हां गरीब बच्चों वास्ते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देवे उस तो बाद 200 रुपए दे विच पब्लिक स्कूल की विद्या देने वास्ते एक स्कूल बनाया जाए उस गरीब कॉलोनी दे विच जिथे कि अज 1200 बच्चा पढ़ रहा है खाली 200 रुपया फीस उन्हां बच्चों पासों ले जाती है। उस तो बाद भी एक गुरु साहब के नाँ पर चल रहे अदारों की जे निंदिया बखीली दे करते हैं तो आने वाले समय के गुरु इन्हों को हिसाब मंगेगा गुरु की संगत इन्हों को हिसाब मंगेगी। पर असी अज गल कह देनी चाहते हाँ ये जो हस्पताल साडा डिले होया है ये कई साढ़े प्रोग्राम सन साडा सब तो वड्डा प्रोग्राम से दिल्ली की सिख संगत जो है एक वर्ल्ड स्पैशलिटी हॉस्पिटल के उतों इलाज असी उन्होंने सेवा मुहैया कर सके है पर पिछले 3-4 साल मुकदमों के असी बिल्कुल इस गुम होए असी उस हस्पताल की सेवा ना कर सके पर वो सेवा जो है हूँ बिल्कुल आते चंद दिन अगले हफ्ते के मुड़ तो शुरू हो जा रही है क्योंकि लीज डीड जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। ये मैं असी गल कर देनी चाहते हाँ भाई साढ़े कई मित्रों ने ये सानू सलाह दी ये मैं गल स्पष्ट कर देना चाहता मैं धन्यवाद करदा तुलसी साहब का उन्होंने सलाह का और सरदार परमजीत सिंह सरना की सोच का भाई जिन्होंने ये सोच दी भी सिख पंथ जितने साढ़े दिल्ली के गरीब परिवार रेंदे हैं उन्होंने सारिया की मैडिकल इंश्योरेंस जो है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कवर की जाएगी। इस संबंध में अज असी ऐलान करते हैं दिल्ली गुरद्वारा कमेटी के दफ्तर एक खास खोलिया जाएगा जिदे जितने गरीब परिवार हैं वो अपनी फोटो समेत अपने परिवार के बच्चों दी फोटो समेत अपनी उम्र समेत अपने आइडेंटिटी कार्ड लैके इन रजिस्टरों के अपनी 2-2 फोटो सन देन असी उन्होंने नाम रजिस्टर करके उन्हों की मैडिकल इंश्योरेंस जो है असी तुरंत जो लवेंगे जिन्हों की मैडिकल इंश्योरेंस हुई हुई है उन्होंने दोबारा करवाने की लोड़ नहीं। मैं बेनती करनी चाहवागा ये कई थोड़ा संगत का भी सहयोग चाहिए क्योंकि कार्य बहुत व्डा है साडा टीचा है असी 20 तो 25 हज़ार फैमिली की मैडिकल इंश्योरेंस जो है कवर की जानी है। असी बिल्कुल ये जो सेवा हस्पताल खुलन वक्त शुरू करनी सी वो सेवा असी डिले हुई है ये डिले की असी संगतां पासों माफ़ी मंगते हाँ गुरु चरणा च अरदास करते हैं सच्चे पातशाह उन्हां बुद्धिहीन लोगों नूं समत बख्श जिन्होंने हस्पताल चलाण दे रोड़े अटकाए और राह दे विच कंडे बिछा के इस हस्पताल नूं शुरू नहीं होण दिता। गुरु महाराज जाणदा है ऐसे बंदे नूं उसने की सजा देनी है जिसने गुरु हरकृष्ण साहब के नाँ के चल रहे हस्पताल नूं रोकण दीआं कोशिशां कीतीआं पर गुरु महाराज ने सारे रस्ते हुण पधरे कर दिते हन ये हस्पताल भी शुरू होएगा और हस्पताल के नाल जो साड़ी स्कीम चलनी सी असी उस स्कीम नूं हुण लागू करन जा रहे हां। असी संगतां नूं बेनती करदे हां अपने इलाका मैंबरां नूं तुसी कॉन्टैक्ट करके उन्हां नूं अपने नाँ दिओ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅਰੋਮਾ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰੋਮਾ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਜੀ ਪਾਸਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋੜਾ ਮੱਲ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੀੜਾ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 84 ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੂਕੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 2-4 ਮਿੰਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਰਦਾਰ KTS ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਜੀ ਪਾਸਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ KTS ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
कि संविधान दे विच ही ये क्यों लिखा गया कि सिक्स विल बी डीम्ड टू बी हिंदूज। परसनल लॉ वो है जिथे परसनल साडे धर्म दे जो एसेंशियल मूल सिद्धांत हैं उन्होंने मुताबिक साड़ी जिंदगी चले। उदे वास्ते ये भी जरूरी है कि शादी और शादी दियां शर्तां, शादी दियां ओथ वो सारी साढ़े धर्म के अनुसार की दी होए, मगर जब तक सिख मैरिज एक्ट नहीं सी बनता ये गल्लां पूरियां नहीं सी हो सकदियां। और सिखी दी बेअदबी एक कोई ग्राउंड नहीं सी डाइवोर्स दी। इस करके सरना साहब पिछले 10 साल तो ज़्यादा समय तो ये लड़ाई दे लगे हुए सी कि किसी तरह सिख मैरिज एक्ट जरूर बने। इन्होंने दास की ड्यूटी लगाई और असी एक मॉडल सिख मैरिज एक्ट तैयार किया। पहले अजीब गल है कि पाकिस्तान की सरकार ने उसनु मंजूर किया और 5 साल पहले उत्थे लागू किया गया, मगर भारत सरकार ने इन्हां दियां अनथक मेहनत का नतीजा है कि हुण भारत की कैबिनेट ने इस कानून नू मन्या है। दूसरी गल जो मैं तुहाडे नाल सांझी करना चाहना हाँ वो ये है कि बहुत दुख नाल ये किया जाना कह रहा कि जो सेहत दी एक हस्पताल दी सेवा सारी दिल्ली दी संगत नू मिल जानी सी कम से कम 3 साल पहले, वो कुछ लोगों ने शायद ये गल नहीं पसंद की थी कि ये सेवा इन्नी वड्डी सिख जगत दे सारे सिख जगत नू सारी दुनिया दे दिल्ली दे सिखां दा नंबर ज़्यादा है। किसी भी एक शहर दे विच इन्नी आबादी नहीं सिखां दी जिन्नी दिल्ली दे विच है। और फिर भी दिल्ली दे विच साडा अपना जिथे गुरु हरकृष्ण साहब ने बीमारी दूर की थी, सारी दिल्ली दी बीमारी दूर की थी, उत्थे असी गुरु हरकृष्ण साहब दे हस्पताल दे बनान दे विच इन्नियां अड़चना क्यों सानू आईयां। ये वाहेगुरु जानता है कि अड़चना सारे झूठे बिना दे उत्ते इतों तक कि साडे जमीन जड़ी अलॉट हुई है उसनों कैंसल कराया गया, उसकी अलॉटमेंट कैंसल कराई गई बिल्कुल झूठी दलील दे के। ये वक्री गल है कि सरना साहब की इज्जत इन्नी है सरकार दे विच कि जिथे ये जाते ने और कागज़ सामने रखते ने कोई भी मंत्री होए कोई प्रधानमंत्री होए या पार्टी दे प्रधान होन वो 2 मिनट दे इन्हां दी गल समझ के और इन्हां दी इज्जत करके गल साड़ी मन लैंदे ने। ये बहुत खुशी दी गल है और बहुत शुक्र है वाहेगुरु दा कि वो जमीन सानू दोबारा उसकी अलॉटमेंट रिस्टोर हुई, पर उस दे विच समा बर्बाद होया। अदालत दे विच असी अपना मजाक उड़वाया, सानू अपने सिख धर्म दियां गल्लां आपस दे विच निजटनियां चाहीदियां ने। अदालत दे जान नाल को सिख धर्म दी इज्जत नहीं वधदी। तो ये बड़ा अफसोस है कि बिना वजह अदालत दे विच एक केस वो डिसमिस होया, दूसरा केस वो डिसमिस होया, तीसरा केस और फिर सरकार तो उसनू कैंसल करवाया गया। मगर वाहेगुरु दा लख लख शुक्र है कि ये कैंसलेशन अलॉटमेंट साड़ी रिस्टोर हुई है और उदे बाद हुन हस्पताल बनान दी कार्रवाई बाकायदा शुरू कर रहे ने सरना साहब, और ये कार्रवाई जल्दी पूरी होएगी। 1 साल के अंदर अंदर सानू उम्मीद है कि 500 बेडेड हॉस्पिटल जिहड़ा दुनिया तो बेहतरीन दुनिया की बेहतरीन इलाज की फैसिलिटी सारे सिख जगत को प्रदान करेगी और दिल्ली दे विच
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨੋਮੀਨਲ ਅਮਾਊਂਟ 20% 25% ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਜੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਜੀ ਪਾਸਵਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਾ ਬੁਲੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਆਦਰਨੀਏ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਯਹਾਂ ਉਪਸਥਿਤ ਅਭੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ, ਸਭੀ ਮਾਤਾਓ ਬਹਿਨੋ ਭਾਈਓ, ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਦੇਵ ਹੋਏ ਹੈ ਦਸੋਂ ਸਭਕੇ ਚਰਨੋ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਨਵਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਗਰਵ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਿਤੀ ਕੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਆਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਮਿਟਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਥੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇੱਕ ਨਯਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਭਾਗ ਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੈਸੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਰੂਪ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਬੂਨੇਟ ਔਰ
उसका एक अंग मान करके चला जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और हर धर्म का अपना रीति रिवाज है, हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ है, मैरिज का अपना स्पेशल लॉ है, और उस अनुसार से सिख धर्म का भी होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि भाई आप तो उसी रिलीजन से आते हैं, धर्म से आते हैं, और आपके समय में ये नहीं होता है तो हम लोगों के लिए दुख की बात है, सिख धर्म के लिए दुख की बात है। दूसरा जो हॉस्पिटल का मामला है, वो एक अद्भुत चीज़ है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी धर्म में रिलीजन में ऐसा कोई क्या कहते हैं व्यक्ति पैदा लिया हो, संस्था पैदा लिया हो, जो सारे के सारे जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके लिए मुफ्त जो है चिकित्सा की व्यवस्था, मुफ्त जो है मेडिकल की व्यवस्था क्या कहते हैं करे। और सरना साहब, आप दोनों भाई ने, आप लोगों ने जो है गुरुद्वारा प्रबंध समिति की ओर से ये कर करके आप साकार करने जा रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे कितनी आंधी आवे, कितना तूफान आवे, लेकिन आपका जो शख्सियत है अपने जगह पर कायम है। हम लोगों के यहाँ तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से जब भी लोग आते हैं तो हम लोग कहीं शरण नहीं मिलता है तो गुरुद्वारा भेज देते हैं। रकाबगंज गुरुद्वारा में हो, शीश महल शीशगंज में हो, बच जाता है तो वहाँ जो है मजरूटी लागे गुरुद्वारा तक भी जो है पंजाब से जो लोग आते हैं वहाँ जगह तक पहुँच जाते हैं। एक बार मजरूटी लागे गुरुद्वारा का चला था निशान के जो है संबंध में, तो उस समय में हम लोगों ने बहुत आंदोलन वहाँ निशान साहब के संबंध में आंदोलन करने का काम किया था। इसलिए हमारे यहाँ तो गुरु गोविंद सिंह जी का हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ जन्म हुआ, वहाँ प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम और भी खुश नसीब हैं कि यहाँ गुरुद्वारा के संबंध में सरना साहब का बिहार में, उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा सब लोग जानता है। और कहीं किसी को कोई जो है जब भी कोई आता है, कहीं कोई भी कार्यक्रम हुआ, लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम जितने भी हमारे संत हुए हैं, जितने भी हमारे दसों हमारे क्या कहते हैं अवतार हुए हैं, हम उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। सरना साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमको यहाँ बुलाने का जो है आमंत्रण दिया। अभी हम सीधे मुंबई से आ रहे हैं, प्लेन लेट थी इसलिए थोड़ा जो कहते हैं कि लेट हो गया। और सब लोगों का दर्शन करके हम अपने को खुश नसीब महसूस करते हैं। और ये गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, गुरुओं का आशीर्वाद सब लोगों के ऊपर में रहे, सब लोगों का जीवन सुखमय हो, नया साल सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आवे। इन्हीं शब्दों के साथ हम गुरु के शब्द चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतह। गुरु मेरे खालसा जीओ, फतेह अर्ज कर रहा हाँ प्रवान करने जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरसिखां मन वधाइयां, जिनी मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। एक असी रस्मी तौर पर गुरु साहब के प्रकाश उस दियां वधाइयां दिंदे लैंदे हाँ, एक गुरु साहब साढ़े मन नूं वधाइयां दिंदे हन। किन्हां नूं वधाइयां दिंदे हन? जिन्हां ने गुरु साहब का उपदेश श्रवण करके कमाया। ये किस तरह संभव हो सकता है? बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन, जे सतगुर भावै सो मन लैन सही कम करेन। गुरु साहब के उपदेश नूं दृढ़ करके अपना जीवन बसर करन, उन्हां दे अंदर उन्हां दे मन की अवस्था विच तब्दीली आउणी संभव है। ये सारा कुछ किस तरह अगे तो अगे चलता है? गुरु साहब का फरमान है, जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए,
ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮਿਲੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।